हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट एकेडमी। हम लोग आज एक अमेजिंग ट्रिक करने वाले हैं, जिसके तहत जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वन बाय वन। तो सबसे पहले आज हम लोग सार्क देखेंगे। इसके सदस्य देशों को आपको याद रखना है कि इसके सदस्य देशों को, तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊँगा ताकि आप कभी भी ना भूलें और हमेशा आपको ईजिली याद भी रहें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले सार्क है ना। तो सार्क के जो सदस्य देशों की ट्रिक है वो है पैन एमबीबीएस। इसका अर्थ है इसमें 8 मेंबर हैं, 8 सदस्य हैं और ये हर एक लेटर एक एक देश को इंडिकेट करेगा। ओके, सबसे पहले साउथ सार्क का फुल फॉर्म देख लेते हैं हम लोग कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है ना। तो इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन, यानी कि दक्षिण एशिया का संगठन है साउथ एशियन। एक और ऐसे है एसोसिएशन, एंड आर से है रीजनल और सी से है कोऑपरेशन। इसका अर्थ है हिंदी में बोलेंगे दक्षिण एशियाई, दक्षिण एशियाई ना क्षेत्रीय सहयोग संगठन, क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ओके, तो सबसे पहले इसके सदस्य देखें। जैसे मैंने लिखा है पेन एमबीबीएस, यानी आपको जब पेन होगा, दर्द होगा, तो आप कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास। लेकिन वो डॉक्टर कैसा होना चाहिए? एमबीबीएस, है ना। तो पेन हमेशा कैसे रिलेटेड होता है? डॉक्टर से। और डॉक्टर कैसा होना चाहिए? एमबीबीएस जो किया हो, तभी उसको डॉक्टर बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं पेन से, पी फॉर जो इसमें है पाकिस्तान, है ना। तो पाकिस्तान इसका मेंबर है, तो दक्षिण एशिया का देश भी है पाकिस्तान। ऐसे इसी से लगा हुआ कौन है? अफगानिस्तान, तो ए फॉर अफगानिस्तान हो गया। आई से इंडिया है ना, भारत जो अपना देश है। एन से नेपाल है। एम से आपको याद रखना, सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन यही करता है और मिस्टेक होने के चांस भी यही होते हैं। यहाँ पे मालदीव है, कौन सा है? मालदीव, जो कि यहाँ म्यांमार ऑप्शन में देता है। तो म्यांमार सार्क का सदस्य ना होके आसियान का, मैं अभी आसियान की ट्रिक अलग से बताऊंगा, तो उसे आप उसमें कवर कीजिएगा। सॉरी, चूंकि ये दक्षिण एशिया के बोला है, तो दक्षिण एशिया मालदीव है नीचे, तो उसी के सदस्य देश है ना। तो क्या है ये? मालदीव। इससे आपको याद रखना है बी से बांग्लादेश, तो बी फॉर क्या याद रखना है? बांग्लादेश, चूंकि एक बी और है ना। तो सेकेंड बी से भूटान, क्या याद रखना है? भूटान। और जो लास्ट एस है उससे याद रखना है श्रीलंका। ओके, तो ये 8 आपके याद जाएंगे। पेन एमबीबीएस मैं रिपीट कर रहा, पी से पाकिस्तान है, ए से अफगानिस्तान है, आई से इंडिया है, एन से नेपाल है, एम से मालदीव है, बी से बांग्लादेश है, एक और बी जो है उससे भूटान है, और लास्ट एस से श्रीलंका है। तो गाइस आपको पूरे याद हो गए होंगे और भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि जब भी पेन होगा तो कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास, जो कि एमबीबीएस होना चाहिए ना। तो ट्रिक है पेन एमबीबीएस। ओके, इसकी जो स्थापना हुई थी सार्क की, वो हुई थी 8 दिसंबर, क्योंकि इसमें 8 सदस्य देश भी हैं, तो उसी से आप याद रख ली कब हुई थी, 8 दिसंबर को 1985। तो 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। अभी अगर बात करें इसके करंट की, ठीक है, तो करंट में जो 19th इसका समिट हुआ था, यानी सम्मेलन हुआ था, 19वां सम्मेलन, वो नवंबर 2016 में प्रस्तावित था। कहाँ? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद कहाँ? राजस्थान में, है ना। तो ये जो है ये कैंसिल हो गया है, क्योंकि इसमें भारत ने पार्टिसिपेट करने से मना किया था, तो ये फिर समिट नहीं हो पाया। अब इसको कैंसिल करने के बाद जो 20वां है वो फिर से अभी प्रस्तावित है। अब देखिए होता है कि नहीं, है ना। तो वो है 2018-19, 2018 में होना था लेकिन अभी तक हुआ नहीं, दिसंबर आ गया ना। तो इसका प्रस्तावित है 2018-19 में, ये है कोलंबो में, कि नेक्स्ट कहाँ होगा? कोलंबो, श्रीलंका। ओके गाइस, तो आप इसे देख लीजिए करंट में जब भी हुए तो इसका अपडेट कर लीजिए। ओके,
तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ओके, थैंक यू।